chapter number 16, Bhagavad Gita is going. Chapter number 16 is audit and financial control. अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट जिसमें हमने एनईडीज पढ़े थे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिटर्स एक्सटर्नल ऑडिटर्स वो सब पढ़ा था। सो बेसिकली क्या होता है कंपनीज में जितनी भी कंपनीज होती है कंपनीज ना एक इंटरनल कंट्रोल शब्द क्या होगा मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ लो सुन लो मेरी बात तो बात नहीं याद रहे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है हर कंपनी में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एओसी है AOC में हर चीज कंट्रोल्ड है मतलब कई जगहों पे नहीं है मैं ऐसे नहीं हो सकता बट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड ठीक है हर चीज का हमने ऐसे बनाओ इसको ऐसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे और अगर ये चीज ना हो गलत हो तो किसी और तरीके से करेंगे प्लस जैसे क्या हो सकता है अगर कोई ट्रांजेक्शन बड़ी ट्रांजेक्शन हुई बिजनेस में ठीक है सो बड़ी ट्रांजेक्शन होने के बाद वो ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है रिकॉर्ड होने के बाद उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कौन कौन बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है जैसे अगर सेल्स करी है तो मैंने सेल्स की एंट्री कर ली तो वो पैसा किसके पास है कौन रखेगा वो पैसा बैंक में कैसे जमा होगा प्लस अगर वो सेल्स करने के बाद डेटर से पैसा आया या मान लो मैंने परचेज करी थी परचेज करके क्रेडिटर को पैसे देने चेक इशू करने तो क्या कोई भी बंदा बैठ के चेक साइन करके दे देगा एम्प्लॉय कहीं ना कहीं से अथॉरिटी आएगी तभी साइन होगा ठीक है और उसका अमाउंट अब जो ओनर है ओनर के पास 100 चेक आए दिन में साइन होने के लिए तो क्या ओनर हर डिटेल चेक कर सकता है नहीं कर सकता वो तो सीधा सीधा साइन मारता रहेगा कि ये तो साइन तो पेमेंट कर दो सो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल फंक्शन बनता है कि हर चीज हम कंट्रोल वे से करते हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ एवरीथिंग हर चीज के कुछ रूल्स हैं कुछ प्रोसीजर है दिस थिंग इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल सो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है गाइस देखना इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस डिजाइन एंड इफेक्टेड बाय मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स विद रिगार्ड्स टू मतलब कि वो डिजाइन जो मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है ताकि जो एंटिटी ने सोचा था करने का वो करा है इन चीजों से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें पहला है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई है वो बिल्कुल रिलायबल है बिल्कुल सही है उसमें कोई भी गलती कोई भी फ्रॉड नहीं है दूसरा इंटरनल कंट्रोल का फंक्शन क्या होता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन के जो भी बिजनेस में काम हो रहे हैं वो टाइम पे हो रहे हैं प्लस उसमें खर्चे भी कम हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल थर्ड पार्ट compliance with applicable laws and regulation ke jo bhi hamari balance sheet ban rahi hai as per income tax act as per indian companies act as per uk act kya hum wo procedure follow kar rahe hain jaise hame bola gaya hai ki depreciation straight line method pe charge karna hai to kya hum slm pe hi kar rahe hain aisa to nahi hai bola gaya straight line method aur hum return value method use kar rahe hain so sare laws fulfill kar rahe hain ki nahi ye sara kaam kaun karega इंटरनल कंट्रोल ये सब कुछ इंटरनल कंट्रोल में आएगा कि बैलेंस शीट सही बने सारे काम सही हो और सारे रेगुलेशन लॉज हम फॉलो करें दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काइंड ऑफ यूनियन से इंटरनल कंट्रोल अब जैसे फॉर एग्जांपल एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट माइट हैव अ पॉलिसी टू चेक एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन अ परचेज इनवॉइस रिसीव्ड बिफोर इट इज अप्रूव्ड फॉर पेमेंट लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका और अच्छा एग्जांपल दूं तुम कभी मॉल में गए हो ऑब्वियसली गए हो मॉल में शॉपिंग करी होगी लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुम मम्मी पापा के साथ गए हो सुपरमार्केट में वहां से शॉपिंग करी है करिए जब वो घर की सब्जियां राशन ये सब लेके आते हैं एक बार होता है ना पेरेंट्स जाते सीधा 5-6 हज़ार का बड़ा सा बिल बना के लाते हैं जिसमें सारा सामान आता है कभी वो जब तुमने कभी पेरेंट्स के साथ गए और उन्होंने सामान परचेज किया है तो बिलिंग काउंटर पे क्या होता है जो बंदा होता है वो फटाफट से सारे बार कोड स्कैन करता है और एक बड़ा सा बिल बना के देता है क्या कभी वो बिल चेक किया किसी ने घर आके चेक किया वहां पे चेक किया वहां पे चेक किया है अगर वहां पे चेक कर रहे तो पता लगता है कि बहुत सारी कंपनीज होती है वो फ्रॉड करती है जैसे तुमने 10 नहीं तुमने हाँ तुमने 10 वो लिए मैगी वो 11 कर देगी अब तुमने इतने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे उसने बार बार पीक 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 11 बार कर दिया तो होगा क्या स्टॉक से गई चीजें 10 उसने पेमेंट निकाली 11 की और उसने एक का फ्रॉड कर दिया अगर हम इंटरनल चेक फॉलो कर रहे हैं कि पेमेंट करने से पहले हम सारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ठीक से देखेंगे उसके बाद ही पेमेंट होगी
That is kind of, you can say, internal control. एक कंपनी में एक कंट्रोल है, एक रूल है, एक प्रोसीजर है कि अगर कोई भी बिल कंपनी में आता है तो कंपनी पहले वो बिल पूरा ए टू जेड चेक करती है, उसके बाद ही पेमेंट होती है. That is kind of internal control. अब आता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर एक एलिमेंट आता है इंटरनल चेक. सो व्हाट इज इंटरनल चेक? इंटरनल चेक इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंसर्न विद एंश्योरिंग दैट नो सिंगल टास्क इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बाय वन पर्सन. कंपनी के अंदर सारा काम एक ही बंदे से नहीं करवाना, अलग अलग बंदे अपॉइंट करने. सेल्स टू कर, पैसे तू ले, उधारी तू कर. जैसे मान लो ईमेल आया इतने ऑर्डर का, या मान लो अब पेमेंट करनी है, ईमेल कोई और भेजेगा, चेक कोई और बनाएगा, साइन कोई और करवाएगा. क्यों? ताकि फ्रॉड ना हो. अब जो साइन करा रहा है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की आ गई. सोचो पेमेंट करनी थी 10,000 की, ईमेल वाले बंदे ने फ्रॉड करके दिखा दिया मैंने 50,000 भेजने, तो जो बंदा चेक बना रहा है और उसने 50,000 गलती से लिख दी, वो पकड़ा गया. उसको बोलेंगे ना, भैया तुमने 50,000 का कैसे चेक बना लिया? वो बोलेगा कि भाई मेरे को तो वहां से पीछे से बोला था कि 50,000 का चेक बनाओ. तो मैं क्या बोलूंगा उस बंदे को, भाई तुमने चेक नहीं किया एक बार भी कि भाई पेमेंट करनी है 10,000 की और तू 50,000 का चेक बना रहा है? और चल ये भी हो गया, जो बंदा साइन कराने आया वो 50,000 का चेक साइन करा के गया. अगर उन्होंने पकड़ लिया भाई पेमेंट 10,000 की करनी है, तू 50,000 की साइन करा रहा है, मतलब तू फ्रॉड कर रहा है. तीन बंदे तो कभी भी गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक ही बंदे के सब पास सब कुछ हो तो वो मैनिपुलेशन कर सकता है, घुमा सकता है चीजें. तीन बंदे नहीं घुमा सकते क्योंकि तीनों को अपनी जिम्मेदारी है, वो तीनों पकड़े जाएंगे. एक बंदा घपले कर सकते, तीन नहीं कर सकते. एक अगर कुछ छुपाएगा, एक ने कुछ ही छुपा ली, दूसरा मे भी पकड़ ली, लेकिन अगर एक ने छुपा ली और पकड़ने वाला ही है तो वो तो चीजें छुपाएगा छुपाएगा. That is called internal check. कि सारा काम एक बंदे से मत कराओ. Each individual work is subject to an independent check by another person in the course of that person's duty. के जो भी वो बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा रखो जो वो चीज चेक करे कि उसने सही करा है कि नहीं. अगर सही करा है तभी आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा. बड़ी बड़ी कंपनीज में ये चीज होती है, जो नॉर्मल छोटी मोटी कंपनीज है वहां नहीं होता, लेकिन बिग कंपनी जो होती है जैसे EY, KPMG, PwC, CA firms, industries, इसमें क्या होता है, अगर एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा भी जाता है ना, एक ईमेल भी भेजी जाती है क्लाइंट को, वो ईमेल पहले तीन बंदे चेक करते हैं. पहले एक ड्राफ्ट ईमेल बनता है, वो ड्राफ्ट ईमेल बन के दूसरे बंदे को जाता है, फिर तीसरे बंदे को जाता है, फिर वो ईमेल में जब सारी गलतियां रेक्टिफाई हो जाती है उसके बाद वो क्लाइंट को भेजते हैं. ये चीज बता रहा है इंटरनल चेक. ये पढ़ लेना डिटेल में, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है. चलो अब आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन. इसका आंसर बी है, हो सकता है ए भी हो. दिस कैन नॉट बी, कैन बी रॉन्ग एज वेल. अ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स कैन बी सो वेल डिजाइंड दैट दे एलिमिनेट द रिस्क ऑफ फेलिंग टू अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर. फॉल्स सर. रियान बोला सर. हां हां खत्म करना सर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, दे कैन नॉट एलिमिनेट दैट. दे कैन रिड्यूस द रिस्क, बट दे कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क. हमने इंटरनल कंट्रोल सही रखा है. अगर आग लगी, सारे रिपोर्ट चल गए, फिर सो दे कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क. दे कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलिंग टू अचीव, बट दे कैन नॉट एलिमिनेट. तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. वेरी गुड. Cannot be eliminated. Can be reduced. So इसी चीज में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं. मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन आएंगे से बहुत आसान होंगे, लेकिन एक छोटा सा वर्ड होगा जिसकी वजह से पूरा मतलब बदल जाता है. जैसे एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, बट ये सारे खत्म नहीं करता. दे रिड्यूस द रिस्क, कम हो जाएगा रिस्क की गलतियां ना हो. लेकिन अगर तीनों बंदे एक साथ मिल गए, इंटरनल चेक इतना अच्छा है, लेकिन तीनों बंदों ने मिलके घपले कर दिए, फिर तो रिस्क तो है ही है. रिस्क इज देयर इन एवरी बिजनेस. सो यहां पे वी कैन रिड्यूस द रिस्क बट वी कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क. समझ आया? ठीक है, तो आंसर इज बी, फॉल्स. अब आता है द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये हमने जो ऊपर पढ़े थे उसी से रिलेटेड है. इंटरनल कंट्रोल के पर्पस क्या होते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं. The purpose of internal control is implied by the definition is given earlier.
to help management achieve the entity's objectives in term of ensuring, मतलब internal control ये सब कुछ ensure करता है so that company के goals achieve हो. क्या क्या ensure करता है? The orderly and efficient conduct of the business, कि business हमारा ठीक से चल रहा है. The safeguarding of assets, के जितने भी business के हमारे assets हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई employee personal use कर रहा है. हमने गाड़ी दी हुई है employees को कि कहीं भी जाना हो किसी client के पास तो ये गाड़ी ले लो. पता लगा वो गाड़ी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई, वो चीज नहीं होती. देयर शुड बी इंटरनल चेक. कैसे हो सकता है? तुम गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा दो. चलो जीपीएस नहीं लगाना, तुम गाड़ी में किलोमीटर नोट करोगे. क्लाइंट के पास जाने में कितने किलोमीटर लगते हैं, कितना डिस्टेंस है. एक चेक मैंने किया करो इंटरनल कंट्रोल किया करो, ये मेरा क्लाइंट है, ये ऑफिस है, ऑफिस से वहां तक कितने किलोमीटर है बाय रोड. तो आने जाने में हम 5-6% मार्जिन लेके चलते हैं कि अगर ऑफ रोड चला गए कुछ चला गए. सोचो 100 किलोमीटर फालतू गए तो पता चल जाएगा ना कहीं और जाके आए. So that can be internal control. The prevention and detection of fraud and error. कि अगर हम accounting कर रहे हैं, accounting में कोई fraud करे किसी बंदे ने, वो भी पकड़ा जाए. अगर accounting में कोई error करे तो वो भी पकड़ा जाए. ऐसे हमारे internal control होने चाहिए. The accuracy and completeness of accounting records. मतलब जो भी मेरा accounting records है, accounting data, like sales bill. ठीक है? मैंने अपनी books में entry कर दी, cash account debit to sales 1 crore. लेकिन इसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं, आई डोंट हैव एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सो वो सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा. या इंटरनल चेक वाले वो सेल कैंसिल कर देंगे कि जब उस चीज का सफिशिएंट डॉक्यूमेंट ही नहीं है. हाउ कैन आई से दैट इज एक्यूरेट? दैट इज नॉट एक्यूरेट. मतलब गलती ना हो अमाउंटिंग में. लिखना था 100, लिख दिया 1000, वो सब चेक होगा हमारे इंटरनल कंट्रोल. एक बंदा अकाउंटिंग करेगा, दूसरा बंदा बैठ के सारी चेक करेगा, सारी गलतियां ठीक करेगा. Timely preparation of reliable financial information. कि इससे क्या होता है, अगर हमारा internal control है, जब सब कुछ सही चलेगा, तो time पे हमारी balance sheet, profit and loss सब कुछ बच जाएगी. तो ये सारे होते हैं हमारे kind of purpose of internal control. ठीक है? So छोटा सा point आता है, why do companies need internal control? So companies का क्या है? Internal control are there. अब ये point उस question से linked है, जो हमने पढ़ा है. Internal control are there to prevent risk occurring or to minimize the impact of the risk, not to eliminate the risk. ये impact minimize कर सकती है, but खत्म नहीं कर सकती. Even when controls are in, example बताया हुआ है, even when controls are in place, documents may still get lost or portable assets may still go missing. The level and extent of internal control required depend upon what the risks are if such control fails. It is particularly important that stringent control exists where there is association of legal requirement. कि किसी चीज की अगर government की law की requirement है, तो वहाँ के तो control पक्के होने चाहिए. जैसे तुम्हें याद है मैंने companies house बताई थी एक चीज, MCA, जहाँ पे हर साल company को अपने balance sheet, profit and loss upload करनी होती है. तो अगर वो चीज करनी है, तो company को confirm वो चीज करनी पड़ेगी. उसके लिए इंटरनल कंट्रोल लगा दो कि भैया बंदा बैठ के देखता रहे कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुई तो उसको इन्फॉर्म करें कि भैया फटाफट से इसको अपलोड करो वेबसाइट पे, जरूरी है, वो लीगल है. क्योंकि अगर वो चीज पूरी नहीं करी तो उसके अगेंस्ट हमारे को पेनल्टी लग सकती है. ठीक है, ये पढ़ लेना, मोर डिटेल नॉट सो रिक्वायर्ड. अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? So, एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं, डिटेल में सारा आगे पढ़ेंगे. पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, थर्ड इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फोर्थ इज कंट्रोल एक्टिविटी, एंड फिफ्थ इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं यहां नहीं कराऊंगा, जब डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा सब. ठीक है, तो द टर्म इंटरनल कंट्रोल कैन रेफर टू एनी ऑफ द फाइव कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज The control environment. बहुत ध्यान से सुनना, the control environment. Environment क्या होता है? हमारा kind of surrounding. Surrounding किस किस चीज से घिरे हुए, माहौल. So the control environment is the overall attitude of the management regarding internal control and their importance. मतलब अगर कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल है तो मैनेजमेंट का उन कंट्रोल्स के लिए क्या रवैया है? अरे चलने दे, ऐसी बेकार कंट्रोल है तो अपना काम करता है. तो दैट मींस उनका एटीट्यूड ही नहीं है कंट्रोल फॉलो करने का.
तो कंट्रोल्स पे इंटरनल कंट्रोल का सबसे मेन पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट का पूरा पूरा एंथुसियाज्म पूरा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल पे। अगर वो लाइटली नहीं होगा, एटीट्यूड नहीं होगा कंट्रोल को फॉलो करने का, तो गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो यही कह रहे हैं, द कंट्रोल एनवायरनमेंट इज द ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इट एनकंपासेस मैनेजमेंट फिलॉसफी, एग्जांपल कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर ट्रेनिंग टू स्टाफ। मतलब कि आप इंटरनल कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट कितनी, एक कहते हैं ना, कितना ज्यादा सोच रही है। अगर वो सोच ही नहीं रही इंटरनल कंट्रोल के बारे में, तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं करेगी। चलने दे, ऐसे हो रहा है, होने दे यार, करता रहे करता रहे। लेकिन अगर वो सीरियस है, नहीं चेक कर उसको, ठीक करेगा नहीं करा, देख ठीक करेगा नहीं करा, दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। इंटीग्रिटी यू कैन से कि जो हमने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करना ही करना, काइंड ऑफ इंटीग्रिटी इज कि जो हमने रूल्स बनाए थे, प्रोसीजर बनाए थे, उसको फॉलो करना ही करना, दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, इसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अभी हमने देखा है कंट्रोल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज एन एंटिटीज प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द बिजनेस रिस्क। किस किस टाइप के रिस्क है हमारे, क्या क्या रिस्क है, और उन रिस्क के अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन ले रहे हैं कि वो रिस्क कम हो जाए। जैसे फायर का रिस्क है, कंपनी के अंदर एक फायर का रिस्क है, कंपनी में कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं, दैट मींस कभी भी आग लगे तो किसी भी तरीके से हम उस आग को नहीं बुझ सकते। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल है तो क्या होगा, जो हमारे वाटर की पाइप होती है वो लगी है, फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए बहुत सारी जगह पे, और इंटरनल कंट्रोल वाले क्या करेंगे, हर महीने फायर एक्सटिंग्विशर ठीक कराएंगे, रिपेयर कराएंगे ताकि कोई खराब ना हो। दैट इज इंटरनल कंट्रोल, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये छोड़ दो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब इसमें बस वही चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन की हुई है, बस ये लाइन पढ़ लेते हैं। Once risks have been identified, management must investigate their significance, कि उस risk का क्या significance है, the likelihood of their occurrence, कि क्या chances है कि वो risk हो, and how should they be managed, कि अगर वो risk हो तो उसको manage कैसे करें, that is risk assessment process। Third आता है information system। So what is information system? Sir, computers, hardware। हार्डवेयर कह सकते हो, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट हार्डवेयर, इट्स नॉट सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट कंप्यूटर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश्ड टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन द एंटिटीज कैरीड आउट एंड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेट्रा। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये कह रहा है बेसिकली, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब कंप्यूटर्स नहीं है, इसका मतलब है कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो किस इंफॉर्मेशन के बेस पे कर रहे हैं। जैसे हमने सेल्स रिकॉर्ड करी तो हमारे पास प्रॉपर सेल्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेल डीड होनी चाहिए, सेल डीड की चलो इनवॉइस होना चाहिए, हमने जो इनवॉइस भेजा है, परचेज करे तो परचेज का इनवॉइस होना चाहिए, और वो इनवॉइस भी प्रॉपर साइंड होना चाहिए। मैं एक पेपर पे लिख दूं साइन करके 1 करोड़ का माल सेल किया है गुगली मार के दे दे, तो क्या ये वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना। सो वो यही बता रहा है कि द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश्ड टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन दैट द एंटिटीज कैरीड आउट एंड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिलेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंस। देख, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि जो चीज, जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो किस इंफॉर्मेशन के बेस पे कर रहे हैं, वो चीज मेंटेन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस कि जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो किसका बेस क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है जो वो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना और उसको मेंटेन करके रखना। एग्जाम्पल, मेरे को एक कॉल आया, आई गॉट अ कॉल कि 2000 करोड़ की हमें सेल कर दो। I just got a call from a company, XYZ company, मेरे को 2000 करोड़ की सेल कर दो। मैंने आज तक 100 करोड़ की सेल भी नहीं करी, सीधा ऑर्डर आया 2000 करोड़ की, तो क्या मैं उसके बेस पे बुक्स में एंट्री कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या लेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, नहीं कर सकता ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है कि नहीं, तो मैं पहले उस पार्टी से बात करूंगा, उनको कहूंगा अगर आपको ऑर्डर करना है तो कुछ एडवांस दो,
अगर एडवांस नहीं देना तो रिटर्न पे दो हमें, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करूंगा कि मैं माल बनाना स्टार्ट कर दूं, माल भेज दूं, वो पैसे ना दे पाए, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लूंगा, उनसे कुछ एलसी लूंगा, कुछ एसेट दिखो के पेपर देके रख दूंगा, एटलीस्ट आप कुछ तो देके रख लो ना, कल को मैं माल आपको भेज दूं और आप बाद में पैसे ना दो, मैं तो उठ जाऊंगा इतना बड़ा माल दे। सो वो चीज होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि किस एक सिस्टम मैंने बना दिया कि ये जब चीजें सारी होंगी तभी वो ट्रांजेक्शन हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन लायबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस। कौन सा लास्ट सेकंड लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंसेस एंड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी फॉर रिलेटेड एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंस। मतलब जैसे बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमारे एसेट्स सारे मेंटेन है, लायबिलिटीज जो है वो हर इंफॉर्मेशन देखे कि किस इंफॉर्मेशन के बेस पर इतनी लायबिलिटीज लिंक हुई है। इक्विटी बैलेंस मतलब हमारी ओनर की कैपिटल, अब मैं ओनर हूं, जबरदस्ती पांच ओनर्स थे, पार्टनरशिप थी, जबरदस्ती एक पार्टनर ने अपनी चुपके से कैपिटल बढ़ा दी, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करेगा कि भैया किस बेस पे कैपिटल बढ़ाई है उसने, कैश दिया है उसने, उसको सैलरी मिली है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, कहां से बढ़ गई अमाउंट, वो चीज होती है। ठीक है, ठीक से ठीक है, चलो इसके बाद आता है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको, इंफॉर्मेशन सिस्टम मोर डिटेल। द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी एबल टू, यहां से सुनना जाएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी एबल टू, पहला आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल वैलिड ट्रांजैक्शंस, कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई है जो वैलिड है उसको रिकॉर्ड करना। डिस्क्राइब द ट्रांजैक्शन इन सफिशिएंट डिटेल टू परमिट प्रॉपर क्लासिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसको ये चेक करना कि उसमें सफिशिएंट डिटेल है। जैसे मैंने एंट्री करी है सी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब क्या है कि मैंने सी को पेमेंट किया, बोलो क्यों सी अकाउंट टू कैश गलत क्यों एंट्री कैश पे किया है, सी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सी अकाउंट डेबिट टू कैश सही होगी, गलत तो पैसे तो देंगे उसको, तो सर एक नाम होगा तो फिर मतलब कुछ नहीं। सी अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने एंट्री करी है बट मुझे उसकी सफिशिएंट डिटेल नहीं पता कि किस चीज की एंट्री है, कैश दी है या हो सकता है माल उधारी पे परचेज किया था वो दी है, या फिर कोई एम्प्लॉई है उसका पेंडिंग अमाउंट था वो दी है, किस चीज की वैसे लिखा नहीं हुई एग्जैक्टली, ये वो डिटेल होनी चाहिए। डिस्क्राइब द ट्रांजैक्शन इन सफिशिएंट डिटेल टू परमिट प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद मेजर द ट्रांजैक्शन टू परमिट द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये चेक करना कि वो ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की है, वो अमाउंट भी सही होना चाहिए, अमाउंट गलत ना हो, 100 की ट्रांजैक्शन है 100 की ही लिखनी है मेरे को, 110 नहीं लिखनी। जैसे एग्जांपल है, तुमने एक रूल पढ़ा था बाकी नहीं, तुमने 11th में पढ़ा होगा, एसीसी वालों को मैंने पढ़ाया हुआ है रूल कि एसेट को स्टार्ट करने से पहले का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाए। हाँ, जैसे हमने खर्चा किया है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, सो व्हाट विल बी द एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश नॉट वो, तो अब जो मशीन की टोटल कॉस्ट है उसके अंदर वो खर्चा भी इंक्लूड होगा, है ना। सो दैट इज मेजर द ट्रांजैक्शन टू परमिट रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर अमाउंट एंड अकाउंट, किस अकाउंट में कर रहे हैं। Determine the correct accounting period in which transaction should be recognized. हमने याद है outstanding expenses, prepaid expenses पढ़े थे। उसका मतलब क्या था कि खर्चा अभी हुआ है, event अभी हो चुका है, payment बाद में आएगी या बाद में करनी। तो हमें यही देखना है वो खर्चा किस साल से related है, हमें उसी साल करना है। जैसे मान लो मैंने 2 साल तक salary नहीं दी, तीसरे साल मैंने एकदम से salary दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरे साल में मैं सारी सैलरी रिकॉर्ड करूंगा, मुझे पहले 2 सालों में आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जो तब पेमेंट हुई। सो डिटरमाइन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, के किस जगह पे किस साल में मेरी वो अकाउंटिंग होगी, वो चीज मेरे को देखनी पड़ेगी। लास्ट आएगा प्रेजेंट प्रॉपरली द ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने करी है वो अच्छे से शो करनी है, एंड उसके अगेंस्ट जो भी डिस्क्लोज करना है नरेशन लिखनी है वो लिखी होनी चाहिए। सो दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिस्क्लोजर मतलब कि जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पढ़ा चैप्टर, उसमें कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हमने क्या पढ़ा है,
कॉन्टिजेंट एसेट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी याद है कि अगर वो एडवोकेट वाला चैप्टर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस उसमें याद है लास्ट में पॉइंट कि अगर आपका 50% से ज्यादा है 80% से ज्यादा है अगर 50% से कम है तो हम सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे तो वो होता है डिस्क्लोज डिस्क्लोज मतलब कि सिर्फ आपको दिखाना बुक्स के अंदर नहीं बुक्स के बाहर जस्ट डिस्क्लोजिंग आउटसाइड द बुक्स की ये चीज एक और है वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के केस में होगी वो एक्सट्रीम में समझ आएगा जिन्होंने करा हुआ उनको पता जिनको नहीं पता जस्ट अज्यूम या डिस्क्लोज मींस कि डिस्क्लोज हां जर्नल प्रॉपर इज नॉट डिस्क्लोजर वो तो अकाउंटिंग का पार्ट है इसे नोट्स पे जो आता था नोट्स में आता था नोट्स में आता था हमने कौन से रूल्स फॉलो करे हैं हमने कौन सा डेफिनेशन का मेथड फॉलो करा है वो सब डिस्क्लोज कर ठीक है चल इसके बाद तुम्हारा आता है कंट्रोल एक्टिविटीज तो अभी हमने स्टार्टिंग में कंट्रोल एनवायरमेंट पढ़ लिया रिस्क असेसमेंट पढ़ लिया इंटरनल सिस्टम पढ़ लिया अब आया है कंट्रोल एक्टिविटीज सो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प एंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरीड आउट फॉर एग्जांपल दैट नेसेसरी एक्शंस आर टेकन टू एड्रेस रिस्क दैट थ्रेटन द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटीज विद इन आईटी और मैनुअल सिस्टम हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्लाइड सो कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने सिर्फ चीजें देखी हैं अब हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है संभाल रहा है अभी तो हमने सिर्फ चीजें देखी हैं अब एक है कंट्रोल जो इन सब चीजों को संभाल रहा है कि जैसा हमने काम सोचा था क्या वैसा हो रहा है या नहीं और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा उसको ठीक करो सो दीज आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट हेल्प एंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरीड आउट सो डिफरेंट बुक्स आइडेंटिफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल वन पॉसिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन कंप्यूटर कंट्रोल ये आगे बढ़ते हैं हम ज़्यादा नहीं लगा ज़्यादा नहीं बहुत अभी हो गया चलो कोई बात कंट्रोल एक्टिविटीज बात करेंगे फिर कंट्रोल एक्टिविटीज करा दो जो भी लगता है उसको फोकस नहीं ज़्यादा नहीं पाएगा मैं बता दूँ पाएगा वो इतने आगे भी पढ़ने हैं कोई बात नहीं कंट्रोल एक्टिविटीज क्या की बात करेंगे मुझे ही बताओ तुमने प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन करे थे एग्जाम के लिए नहीं करे एग्जाम के लिए तो करते फिर आधा घंटा है वो क्वेश्चन कर लो उससे जाकर तुम्हारे इतने से बताओ इसमें एक इसकी एग्जाम किट में देखो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं ठीक है तो आई विल सेंड यू दैट एग्जाम किट ऑन व्हाट्सएप सो व्हाट यू हैव टू डू जो चैप्टर यहां पे हुआ एग्जाम किट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें वो सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे कितने गलत सब अच्छा ठीक है और उसके बाद तुम्हारे इसमें क्या है एक डेट अभी 1.5 मंथ का कोर्स है इसका F1 1.5 मैथ्स 2 उसके बाद तुम्हारा इसका एग्जाम होगा सीधा ACCA के अंदर यू कैन गिव ईच वन एग्जाम CA 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 में तुम्हारा चार का ग्रुप होता है उसमें एक एक पेपर करके देते F1 पढ़ा F1 का 3 दिन में पेपर दे दिया और पेपर की डेट भी फिक्स नहीं है इट्स ओनली अप टू यू बट व्हाट वी डू इज हम पहले से डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन को एग्जाम होगा सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर ठीक है ऐसे करके तुम पेपर दोगे फिर स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा ठीक है तो अभी इनका क्लास हो चुकी है सो इफ यू वांट टू सी यू कैन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्वेरी हां